सर क्या पूरा मामला था, ये पता है आदमी को जो बात करता था फोन पर, महिला लड़की की आवाज़ से बात करता था, क्या पूरा मामला? व्यवस्थापक द्वारा आत्महत्या की गई थी, उसको प्रताड़ित करने के संबंध में एक प्रकरण जो है वो यहाँ कोतवाली थाने में दर्ज था। उस संबंध में आगे तफ्तीश करते हुए जो पूछ था उसके जो सुसाइड नोट में जो चीज़ें थी उसमें से एक तथ्य ये भी आया था कि कुछ मोबाइल नंबर है उनसे कॉल किया गया था, कुछ प्रताड़ना की गई थी स्त्री आवाज़ में बात करने के, उस वो भी वजह कहीं ना कहीं आत्महत्या में उसका रहा था योगदान। उस विषय पर आगे तफ्तीश करते हुए इस तब जो सिम नंबर आए थे रिकॉर्ड पे उनके उनको ट्रेस किया गया और उसके आधार पे जो उसका यूज़र है क्योंकि उसमें जो सिम के आधार पे तकनीकी रूप से जांच की गई तो वो सिम किसी अनपढ़ लेडी के नाम से निकली, उनसे तफ्तीश की गई तो उन्होंने ऐसी सिम को जारी नहीं कराई थी। उस बेस पर आगे बढ़ते हुए तकनीकी सहायता से साइबर सिम सहयोग से इसको ट्रेस किया गया तो ये जो सिम है एक्चुअली इलियास सनब रमजान निवासी देरा सर के पास पार्टी रहने वाला ये धंधा और ट्रेड में काम करता है, ये ट्रेस हुआ। इसको जिसके पे पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार किया कि मैंने ट्रू कॉलर पे सुमन नाम डाल लिखा है और जो भी नंबर कुछ मिल जाते थे उस पर कभी कॉल कर लेता था रिचार्ज कर लेता था, तो उसको उस समय में अरेस्ट किया परिजी सिंह उठाने और उस प्रकरण में उसमें डिटेल इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं कि इसकी सिम इसने जो कैसे प्राप्त की है और क्या कनेक्शन है इसकी, इस बारे में इसके अलावा भी ऐसा कुछ जांच में सामने आया जिसने कहीं किसी और को फ़ोन किया वो ब्लैकमेलिंग करने का प्रयास किया? एक दो चीज़ें आई है सामने, किसी रिचार्ज किया ब्लैकमेल का जहाँ तक है अभी तक ऐसी कोई गंभीर बात सामने नहीं आई, लेकिन किसी रिचार्ज करा लिया या कोई गिफ्ट मांग लिया इस तरह से कुछ क्या मकसद रहा है कुछ आया कुछ अभी डिटेल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं जो भी तस्वीर कहाँ से दस्तयाब किया सर? जोधपुर से दस्तयाब किया, अभी यहाँ लगे कल उसको इंट्रोड करके अरेस्ट किया पीसी में।